चलने के मैच की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। आरंभिक गेंदबाज के तौर पर रितेश कुलकर्णी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। एफएम ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज का यानी कि दूसरे दिन का चैंपियन कौन होगा। शुरुआत पहली गेंद रितेश की, इस बार स्क्वायर कट खेला, इस बार जबरदस्ती के सामने से गेंद ट्रेवल हो रही है और ये गेंद यकीनन जाएगी बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, चार रन की रिया। कल टूर्नामेंट का यानी कि तीसरे दिन के मैचेस होंगे वहां पर। कैप्टन 11 टीम नहीं पीएफसीसी फर्मा और जामिया सीसी के बीच में पहला मैच होगा सुबह 8 बजे। यंग जामिया क्रिकेट टीम और पीएफसीसी फर्मा क्रिकेट टीम के बीच में पहला मैच कल का। बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। सेकेंड मैच होगा ए भाई दोस्ती क्रिकेट टीम वर्सेस मुबारक सीसी के बीच में कल दूसरा मैच होगा। उसके बाद तीसरा मैच कैप्टन 11 क्रिकेट टीम और पहले मैच में जो टीम जीतती है पीएफसीसी और फार्मा और यंग जामिया टीम में जो जीतता है उसका मैच होगा उनके साथ में। चौथा मैच शफी उलन सोलापुर के साथ होगा 2 बजे। तीसरे मैच अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंदार के बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे निकल रही है, सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल दोनों ही खिलाड़ी, एक बिल्कुल मुंबई के टॉपर क्रिकेटर, दूसरे सोलापुर के टॉपर गेंदबाज के बीच में। हामिद जी मनगुले साहब यहां पर मौजूद है हमारे साथ में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सवाल इस मैच के बारे में। आगे बढ़ता हुआ स्कोर केवल 5 रन, देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए रितेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बायां के बल्लेबाज करण के लिए। इस बार गेंद को ज्यादा ऊंचा खेला गया, देखना है मोनिश शेमोल गेंद के नीचे है, मोनिश शेमोल पकड़ लिया कैच वहां पर, शानदार कैच, जानदार कैच, खूबसूरत कैच वहां पर मोनिश शेमोल ने पकड़ा और आखिरकार रितेश कुलकर्णी को मिलने वाली पहली सफलता मिल रही है। जैसे टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का इनाम दिया जा रहा रुपए बम्पर प्राइस के तौर पर 1,00,000 रुपए का इनाम हामिद जी इंडिगर साहब की ओर से दिया जाता था। दूसरे क्रमांक का प्राइस दिया जाता था आबिद अली मुल्ला साहब की ओर से 50,000 रुपए और तीसरे क्रमांक के लिए जीशान बख्शी साहब की ओर से 30,000 रुपए और यूट्यूब स्पॉन्सरशिप अबरार इनामदार ने दिए है। और हर मैच पे बिल्कुल जो की मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी दी जा रही है फैयाज सर काजी बिल्कुल काजी सेंट सप्लायर्स की ओर से दी जा रही है ट्रॉफी वहां पर। जैसे कि मैच के लिए बिल्कुल हर मैच में टी शर्ट दिया जाता है, मैनेजर मैच के लिए वाई स्पोर्ट्स यानी कि रफीक ताली गोडी और यूनिक स्पोर्ट्स बागेबाड़ी के बिल्कुल हमारे अबू बकर साहब ने बिल्कुल ब्रांडेड कैप दी है टूर्नामेंट के लिए मैनेजर मैच के लिए और साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन के लिए बैट दी जा रही है यूनिक स्पोर्ट्स अबू बकर साहब की ओर से। बेस्ट बॉलर के लिए एडवोकेट बसु सर की ओर से शूज दिए जा रहे हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए हनुमंत अतलाटी इनकी ओर से बिल्कुल रेंजर साइकिल दी जा रही है। जैसे कि मैनेजमेंट की अगर बात करना चाहेंगे, टूर्नामेंट कमेटी की बात करना चाहेंगे, टूर्नामेंट में बिल्कुल वाहिद अली मुल्ला साहब इनके नेतृत्व में इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर रखा जा रहा है। टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए बहुत लोगों ने हमें सहकार्य किया, जैसे कि मोइन शेख और मोमिन शेख का इनका बिल्कुल अनमोल सहकार इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है और बिल्कुल बड़े पीरा और नन्हे पीरा बिल्कुल हवेली जिम इनका भी हमें सहकार्य मिलता हुआ। सैयद आदिबा हुसैन इनामदार इनका भी टूर्नामेंट के लिए सहकारी मिलता है। इस बार हल्के से इनको कवर क्षेत्र में मारा जा रहा, 2 रन लेने का समय मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंच रहा है 7 रन। बस देखा जाए तो मैच के अंपायर स्क्वेरले के अंपायर इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम, इस टूर्नामेंट के सबसे नौजवान खिलाड़ी है जिनके नाम पर इस
और इस बार गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश में गेंद डाल गया, नागेश ने गेंद को मारा ताबड़तोड़ स्ट्रोक, काफी तूफानी प्रहार निकलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 6 रन के लिए निकल रही है, ऐसा लगा मजबूत बल्ला तूफानी हल्ला, चंडो भर्रार घनघोर षटकार। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद अगर स्कोरबोर्ड पे ध्यान देंगे तो कह सकते कि ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13। पहले ओवर का खेल बिल्कुल, अंपायर की बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल अयाद हत्ती वाले इनके नाम पर इस मैदान यानी कि बीजापुर में दो ओवर है, एक तो रिकॉर्ड ऐसा है जिन्होंने बिल्कुल 3 ओवर फेंके, 19 रन दिए और 7 विकेट दिए, और अभी भी नौजवान है, हाल ही की बात है ये, बिल्कुल हाल ही की बात, यानी कि उसके पहले का रिकॉर्ड ये अद्भुत है, नबल है, क्योंकि 4 ओवर फेंके जिसमें 3 ओवर में रन फेंके, 1 रन दिया और लगभग 5 विकेट लिए, ये रिकॉर्ड है बिल्कुल अयाज हत्ती वाले साहब का। नए खिलाड़ी बॉलर हमारे बिल्कुल सोलापुर सिटी के बहुत ही नामचीन बॉलर जिन्हें क्रिकेट में एक ब्रांड बन चुका है जिसका नाम है एफी ब्रांड यानी कि फैसल पटेल। करण के लिए बिल्कुल गेंदबाजी करेंगे वहां पर फैसल पटेल, गेंदबाजी का आक्रमण संभालेंगे रैराम रौंदिगर से गेंदबाजी करेंगे, ये भी इनकी भी उम्र 40 के ऊपर है, फैसल पटेल की भी उम्र 40 के ऊपर है। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में बिल्कुल पॉइंट फील्डर के ऊपर से मारा, जबर साथ ही दौड़ रहा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, इतनी तेजी के साथ गेंद निकली थी किसी को मौका नहीं और ये गेंद बाउंड्री के बाहर निकलेगी, 4 रन, आगे बढ़ रहा स्कोर 17 पे। तो इस बार गेंद को स्वीप शॉट लगाने की कोशिश अपील की जा रही है, विकेट कीपर समीर एटम की ओर से बिल्कुल लगभग लेग बाइज रन का इशारा अंपायर की ओर से बताया जाता था, लेग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, टोटल स्कोर केवल 18 पे। ये मैच दोनों के लिए डू ऑर डाई का मैच है, दोनों जीतेंगे, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वो टूर्नामेंट को अलविदा कहेगा, क्योंकि जीतने वाले को कम से कम बिल्कुल आखिर के दिन में जाने का मौका नहीं कि सेमीफाइनल खेलने का मौका होगा वहां पर, वहां से 1,00,000 की सीढ़ी मिल रही है आपको, 30,000 का बिल्कुल जीतेंगे तो 50 डिपॉजिट होंगे और जीतेंगे वो मैच जीतेंगे तो लाख के मैच के लिए जाएंगे। और फिर गेंद इस बार गेंद को मारा जाता है, गेंद के बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में वसीम लेवेंडर जब तक गेंद को फील करते फिर से सिंगल मानेगा, आगे बढ़ रहा स्कोर, टोटल स्कोर 19 रन। चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फैसल पटेल की गेंद थी, यॉर्कर लिंग की गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से गेंद को पुश किया था, तब आगे बढ़ रहा है स्कोर केवल 20 रन, टोटल स्कोर 20 रन। जैसे कि यह शानदार टूर्नामेंट, जानदार टूर्नामेंट, इस मैदान का इतिहास अगर देखा जाए तो इस इतिहास के पन्ने में लिखने वाली टूर्नामेंट, जहां पर पहली बार हम देख रहे कि 1,00,000 रुपए की इनाम रखने वाली टूर्नामेंट इस मैदान पे हो रही है, जिसका श्रेय जाता हुआ बिल्कुल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कैप्टन 11 क्रिकेट क्लब बीजापुर, इन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर रखा है। आगे बढ़ रहा है स्कोर 21 रन 21 की ओक पर। तो इस बार फुल टॉस गेंद थी, ऑनसाइड में लपेट दिया स्वीप शॉट, टाइमिंग के साथ नदाकत के साथ यहां पर गेंद को मारा जा रहा है, 4 रन मिलेंगे, आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त तो ओवर समाप्ति का इशारा अंपायर की ओर से बताया जा रहा है। दो ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद टोटल स्कोर 24 रन 25 रन, टू ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, रन बने हैं बिल्कुल 25 रन।
तो नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालेंगे वसीम लेवेंडर। वसीम लेवेंडर नए खिलाड़ी वहां पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश, बड़ी विकेट मिली वहां पर। वसीम लेवेंडर ने टीम के लिए सफलता दिलाई है और लगता हुआ ये बिल्कुल और एक झटका लगा वहां पर। जीशान जामिया क्रिकेट टीम को लगता हुआ और एक झटका लगा। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जा रहे न्यू मैन होंगे वहां पर। एक पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्हें प्राइज मिला था सुहास पवार, अब बैटिंग करने के लिए आएंगे न्यू मैन। अब बैटिंग करने के लिए इस बार मारने की कोशिश में इस बार रिस्की रन लिया था, बस सिंगल रन। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 26 रन। फिर से वसीम लेवेंडर गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए करण मौर्य की दिया। पच्ची गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को पुश किया जाता था, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते। फिर से सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है टोटल 27 रन 27 रन। इनिंग का ये ओवर चल रहा है, तीसरा ओवर चलता हुआ, ये क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ, दोनों के लिए डू ऑर डाई का मैच चल रहा है। करो या मरो, किस तरह से भी मैच जीतकर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का टिकट हासिल करो। किसको मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट देखना होगा वहां पर। लेकिन दोनों टीमों में जो टीम बिल्कुल परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखाएगी उसे जीतने का मौका बनेगा। तो इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, टप्पा करने के बाद बिल्कुल तेजी के साथ निकली। विकेट कीपर ने विकेट के पीछे काफी अच्छे अंदाज में गेंद को गैदर कर लिया और रुका हुआ स्कोर 27 रन। वसीम लेवेंडर बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद इस बार बिल्कुल बैकवर्ड पर जाकर हल्के से पुश किया जाता हुआ, जब तक फील्डर फील करते। फिर से सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर उस वक्त लगभग पहुंचता हुआ कुल रन संख्या 28 रन 28 रन। तीसरा और अभी भी जारी है, प्रगति पर है। टूर्नामेंट कितना प्रॉफिट हो रहा है बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खिलाड़ी इतने लंबे से आ रहे हैं, यानी कि बंबई से लेकर सोलापुर तक, वहां से बिल्कुल कर्नाटक की बहुत लंबे जगह से खिलाड़ी वहां पर, बेंगलोर से खिलाड़ी यहां पर खेलने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ये टूर्नामेंट बहुत ही नामचीन बन चुका है।
और इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट करीबन 190 देशों के ऊपर चल रहा है, यानी कि यूट्यूब जो चलता है 192 देशों में चलता है, वहां पर यह टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मारा जा रहा बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद आ रही है, चेतक गोरे जब तक गेंद को फील करते हैं, दो रन लेने का मौका बनता हुआ, तीन ओवर बिल्कुल पूरे हो चुके हैं, स्कोर है 30 रन। और जैसे कि देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए 12,000 तक व्यूअर्स चले गए। नए खिलाड़ी वहां पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए फैसल पटेल को फिर से गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। फैसल पटेल फिर से गेंदबाजी करेंगे, स्वर की अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर, अभी भी बैट्समैन आए हैं वहां पर। चलेंगे वहां पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, ये बिल्कुल दोनों के लिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, यहां से कोई भी टीम गलती करेगी तो टूर्नामेंट के बाहर होगी वहां पर, लेकिन जीतेंगे तो आपको लक्ष्य 1 लाख तक जाने का रास्ता मिलेगा वहां पर। अच्छी गेंद, इस बार स्क्वायर कट खेला, इस बार जबरदस्त ही रन आउट का होता, ओहो बिग एक्शन, बहुत ही जबरदस्त, जितना अच्छा स्ट्रोक उतनी खूबसूरत फील्डिंग जबरदस्त की वहां पर देखने मिल रही है। बिल्कुल जबरदस्त ने बिल्कुल चीते की चाल में गेंद को फील्डिंग की वहां पर, जैसे ही गेंद आई हाथ में तुरंत थ्रो दे दिया और विकेट कीपर समीर ने भी बिल्कुल आंखों की पलक झपकने से पहले अपने हाथों का काम तमाम कर दिया वहां पर। ये बड़ा आघात मैं कहूंगा यहां पर, कभी कभी जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक दायक होती है, आती गाय संकटात नहीं, यानी कि बिल्कुल आपने बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर रन लेने की जो जल्दबाजी की थी उसका सजा मिल रही है। और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल, बल्लेबाज का विकेट चला जा रहा है। देखिए राह पर, जिंदगी की राह पर हम जब भी चलते हैं, गाड़ी का ब्रेक जब फेल होता है तो कुछ ना कुछ हानि होती है, उस तरह से यहाँ पर बैट्समैन की हानि हो रही है, बैट्समैन का विकेट जा रहा है, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल। चलेंगे इस बार रियाज नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे, वहां पर एक जाने माने खिलाड़ी रियाज, लेकिन फैसल पटेल ब्रांडेड खिलाड़ी अभी भी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर टीम की ओर से, वहां पर आवाज सुनाई दे रही है, कहा जा रहा है एक बॉल अच्छा मिलता है मिलता है, बैट्समैन भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं वहां पर, ये खिलाड़ी को चेयरअप करने की कोशिश की जा रही है वहां पर, चेयरअप करेंगे तो हौसला बढ़ेगा। चलेंगे इस बार ये गेंद तैयार है, रिवर्स मारने की कोशिश, देखना विकेट कीपर समीर बिल्कुल बहुत चालाक है, बहुत फुर्तीले हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज की गेंदबाजी फैसल पटेल की चल रही है वहां पर। चलेंगे फैसल पटेल जिन्हें कप्तान की उपाधि मिली है, कप्तान कप्तान, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आप, लेकिन बैट्समैन तैयार है, रेडी है खेलने के लिए। ये गेंद फुलटॉस गेंद, इस बार स्वीप शॉट लगाना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के टो एंड से लगने के बाद गेंद जा रही है बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में, जब तक की जबर साथी आकर गेंद को फील करते, लेग बाइज रन का सिंगल मिलेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31 की ओक पर। सोलापुर के जाने माने अंपायर और अच्छे क्रिकेटर राधे यानी कि मोहसिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सोलापुर क्रिकेट के एक बहुत ही नामचीन अंपायर है राधे यानी कि मोहसिन मुल्ला। फैसल पटेल अगर गेंदबाजी में हैट्रिक लेते हैं तो बिल्कुल राधे यानी कि मोहसिन मुल्ला की ओर से 1,000 रुपए और जबर साथी के लिए भी बिल्कुल 1,000 रुपए दिए जाएंगे हैट्रिक के लिए। अच्छी गिनती फुल टॉस गिनती, इस बार गेंद को मारा जा रहा है, गेंद बॉलर के पीछे जा रही है, बिड विकेट क्षेत्र में किरण जब तक गेंद को फील करते हैं सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, टोटल स्कोर 32 रन 32 की ओक पर। सोलापुर की टीम और बिल्कुल
जिशान जामिया टीम के बीच में चलने वाला ये क्वार्टर फाइनल का मैच देखते हैं। शॉर्ट गेंद आई, बैक पर चले गए, हवा में उड़ाने की कोशिश, चेतक गोरे गेंद के नीचे आ गए। बाबरा जो फील्डिंग का जाल रखा था उस जाल में खिलाड़ी फंस गए, यानी कि मछली जाल में फंस चुकी है, वहां पर विकेट मिल रही है, लगता बा और एक झटका लगा वहां पर। बस देखा जाए तो बिल्कुल बहुत शानदार गेंदबाजी का जबरदस्त यहाँ पर एपर देखने मिल रहा है वहां पर, खासकर से मैं फसल पटेल की ईश्वर की तारीफ करूंगा, ईश्वर में बिल्कुल काबिले तारीफ गेंदबाजी उन्होंने फेंकी है। चौथा और यहाँ पर जारी है प्रगति पर है, बिल्कुल थोड़े से खिलाड़ी थक चुके हैं, थकने के बाद पानी की मांग की जा रही है। फैयाज भाई जो की बिल्कुल खासकर से सोलापुर से आए हैं, खिलाड़ी का हौसला अफजाई करने के लिए थोड़ा सा जल्दी कीजिए। बस देखा जाए तो बिल्कुल क्रिकेट की मैं अगर नियमों की बात करना चाहूंगा, जब हम लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो 15 ओवर तक पानी नहीं मिलता है, मिलता है जब भी विकेट गिरता है तो ओवर के समाप्ति के बीच में आता है। दादा पीर नए खिलाड़ी जाएंगे बैटिंग करने के लिए, न्यू बैटर दादा पीर चलेंगे वहां पर, दादा पीर क्या करेंगे वहां पर गेंदबाजी करने के लिए। फैसल पटेल इस वक्त आक्रामक तेवर में आ चुके हैं, बड़ा आक्रामक खेल दिखाया जाता है फैसल पटेल की ओर से गेंदबाजी में, वहां पर अटैकिंग गेंदबाजी, अतिशय टिकट मारा, अतिशय भेदक मारा, अतिशय दहक मारा, इतापन बात हुए। सुंदर चुंडू यास पात्र पुनः ये तो जीता, चीते की चाल में फील्डिंग करने वाले जफर, आज जफर को फील्डिंग का चीता कहा जाएगा वहां पर, जफर साथी आज फील्डिंग में चीते की तरह फील्डिंग कर रहे हैं वहां पर। चार ओवर बिल्कुल पूरे होने के बाद स्कोर है इस वक्त 32 रन, लगभग रन रेट की बात करना चाहेंगे, हर ओवर में 8 रन की औसत से रन रेट चल रहा है।
तो बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, 47 रन अभी का जो स्ट्रोक लगा बिल्कुल सुपला सुपला खेला और बल्लेबाज ने मारा लगा दिया, बिल्कुल चौका लगा दिया इस बार। पांच ओवर बिल्कुल पूरे होने के बाद स्कोर है 47 रन, पिछले ओवर में लगभग 15 है, कहीं जाकर जीशान जमिया के लिए बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा ओवर मैं कहूंगा पिछले ओवर में। चलेंगे, बहुत लंबी चर्चा चल रही है, चर्चा वहां पर चल रही है, देखना है कप्तान किसे बुलाते हैं बॉलिंग करने के लिए। फिर से वहां पर चेतक गोरे के हाथ में गेंद नजर आ रही है, चेतक गोरे गेंदबाजी करेंगे खुद के कोटे का व्यक्तिगत पहला, टीम की ओर से सीनिंग का अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे छठा ओवर लेकर। लेकिन करण मोरे जब तक विकेट पर है रन बनते ही रहेंगे वहां पर, करण वन मैन आर्मी की तरह बैटिंग कर रहे हैं वहां पर, करण ने बिल्कुल टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन जोड़े हैं टीम की रिया। चलेंगे इस बार देखना, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, इस बीच चेतक गोरे की पहली गेंद शॉर्ट गेंदबाज बार कट कर दिया, इस बार गेंदार के थर्ड मैन क्षेत्र में देखना फसल पटेल, कौन कह सकता है ये 40 साल के ऊपर वाले खिलाड़ी है, कौन बोलेगा इन्हें 40 साल का है, क्या शायद उम्र छुपा रहे ऐसा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल चीते की चाल में फील्डिंग की जा रही है, एक रन मिलेगा आगे बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर 48 रन। मेहनती खिलाड़ी है बिल्कुल, बैट इनके एक स्पेशल ब्रांड है, बैट है इनकी ब्रांड एफपी ब्रांड की बैट, सोलापुर में बेची जाती है। शॉपिंग गेंदबाजी बैक पर चला गया, खूबसूरती के साथ माना जा रहा, देखिए फैसल पटेल और एक बार फील्डिंग जबरदस्त कर रहे वहां पर, फैसल पटेल को बार बार दौड़ाया जा रहा वहां पर, भगाया जा रहा यहां से वहां, लेकिन फैसल पटेल कह रहे मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम तो करूंगा वहां पर, बिल्कुल दो दो रन फिर से दौड़े रुके जा रहे वहां पर, टीम के स्कोर 50 रन बिल्कुल पूरे हो चुके। चलेंगे इस बार देखना, फिर से गेंदबाजी करेंगे, इस बीच गेंद इस बार फिर से मारा जा रहा है, इस बार सुपर स्ट्रोक समीर नहीं रोक पाएंगे वहां पर, गेंद बॉर्डर के बाहर जा रही है, बिल्कुल क्या जबरदस्त हटके बल्लेबाजी करते हैं ये, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की अंदाज वाला स्ट्रोक निकलता है, इस बार विकेट कीपर के पीछे चले गए, पैडल स्वीप खेला विकेट कीपर के पीछे, चार आएंगे वहां पर, शायद समीर को थोड़े से पैरों में चोट आई है वहां पर, दर्द हो रहा है वहां पर, पहले ही पैरों को बिल्कुल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, शायद दूसरा फील्डर अगर हो तो किसी को बुलाइए वहां पर, दर्द ज्यादा हो रहा तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए। शायद हुसैन पहलवान जा रहे हैं वहां पर अब उनकी जगह पे, ये किरण ना बिल्कुल हटके अंदाज के बहुत सारे स्ट्रोक खेल रहे हैं, इनकी बैटिंग देखकर हमें बिल्कुल इंडियन टीम के सूर्य कुमार यादव यहां पर आ रहे हैं, सूर्य कुमार जिनके पास क्रिकेट के अनगिनत स्ट्रोक होते हैं, ये कॉमेंटर लोगों को स्ट्रोक का नाम देना मुश्किल होता है, उस तरह के स्ट्रोक वो खेलते हैं। सुपला खेला, कभी कभी सुपला खेलते के फलंदाज छुकला होता है, लेकिन जहां तक कि वहां पर समीर को बहुत गहरी चोट तो आ रही है वहां पर, चलो लेमेंडर अंदर आइए आप पीछे ठहरे, मैच चालू कीजिए, आपकी सेकेंड बैटिंग है, फर बाद में अंधेरा पड़ेगा, बैडलाइट होगा वहां पर, हमारे बिल्कुल बहुत सारे खिलाड़ी उनके चोट को उबारने की कोशिश की जा रही है, फिजियो का ट्रीटमेंट भी दिया जाता था वहां पर, हमारे कमेटी मेंबर्स वहां पर राहुल पाटिल उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उनके दर्द को कम करने की कोशिश की जा रही है वहां पर, नवीद लाइन भी वहां पर मौजूद है, शायद नवीद भाई भी जा रहे हैं वहां पर,
नवीद मंगोली साहब भी जा रहे बाबर, अच्छी गिनती पर के पास है। इस बार ऑन सर बिगिन को खेला जाता हुआ, पहला रन तेजी से दौड़ा, दूसरे की दौड़ हो सकती है, रन आउट का मौका नहीं होगा वहां पर। देखिए कितने जबरदस्त अंदाज में, ये फुर्तीले अंदाज में दौड़ रहे हैं, पहला रन तेजी से दौड़ा, बिल्कुल ऐसा लगा कि जिस तरह की दौड़ हमने किरण मोरे की देखी, विक्टर के बीच में हिरन की दौड़ देखने मिल रही है। दो आएंगे और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर शायद 56 की योग पर रन संख्या पहुंच रही है। ईश्वर की दो गेंदे बची है, देखना चेतक गेंदबाजी करेंगे। बीच गेंदनगर जस्ट सोनप लंग गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मारने की कोशिश, जबर साथी के हाथ में गेंद जा रही है, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, रुका हुआ स्कोर 56 रन, छठा ओवर चलता हुआ आगे बढ़ रहा स्कोर इस वक्त 56 रन 56 रन। आखिरी गेंद चलेंगे, मैं राहुल पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने ट्रीटमेंट किया, खिलाड़ी वहां पर चलने लगे हैं। इस बार गेंद को मारा जाता हुआ, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, गैप ढूंढा जा रहा है, गैप ढूंढ कर मारा जा रहा है। 6 ओवर बिल्कुल पूरे होने के बाद स्कोर है 60 रन, 6 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 60 रन। करण मोरे की अगर बात करना चाहेंगे, 20 गेंदों में बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी बन रहा है, 43 रन बनाए, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी करण मोरे। देखना है 9 रन लेकर कप्तान किससे बुलाते हैं गेंदबाजी करने के लिए, शायद गेंदबाज गेंद इस वक्त हाथ में नजर आ रही है, रितेश कुलकर्णी के हाथ में गेंद नजर आ रही है, रितेश का ये व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे रितेश कुलकर्णी। बिल्कुल थकने के बाद यानी कि खिलाड़ी थोड़े से चोटिल होने के बाद अपने आप को उभर चुके हैं, लेकिन अक्सर एक बच्चन का मैंने डायलॉग सुना था, क्या था मालूम है क्या, मर्दों को कभी दर्द नहीं होता है। तो उस तरह से ये दर्द कब होता है, जब हम जब क्रिकेट खेलते हैं उस वक्त हमारी बॉडी गर्म होती है, तो उस वक्त आपको दर्द कुछ महसूस नहीं होता है, जब बॉडी ठंडी होती है तो उसके बाद पता चल सकता है कि चोट कितनी गहरी है। रितेश कुलकर्णी, रितेश की गेंद पर इस बार जानदार स्ट्रोक, विकेट कीपर के पीछे निकल रही है गेंद, पहले टप्पे पर 4 रन, आगे बढ़ता बस स्कोर 64 की योग पर। चौसठ रन 64 रन, देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, फिर से जस्ट शॉट ऑफ लंग गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में रिस्की रन दौड़ा जाता है, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 65-65 रन। चलेंगे इस बार देखना फिर से रितेश कुलकर्णी गेंदबाजी करेंगे करण के लिए, करण व्यक्तिगत 43 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है, जस्ट शॉट ऑफ लंग गेंद, इस बार बॉडी लेन पर गेंद को फेंका जाता है, देखना खिलाड़ी थोड़े से चोटिल होगा वहां पर, रन दौड़ने के लिए उन्हें भी बिल्कुल परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर इस वक्त देखना है, शायद बैटिंग करते वक्त शायद बल्ला लगा है, ये भी खिलाड़ी चोटिल होगा वहां पर, शायद जो बिल्कुल गुड़गा होता है उस गुड़गा पे बैट लगी होगी शायद, इसीलिए बिल्कुल दर्द यहां पर। देखिए डॉक्टर साहब तुरंत जा रहे मैदान में, राहुल पाटिल और वैसे देखा जाए तो इनका मेडिकल भी है, बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं हमारे राहुल जी पाटिल। चलेंगे वहां पर नए ओवर की शुरुआत करने के लिए, इस ओवर की कुछ गेंदें बची है, बिल्कुल चौथी गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। तो
इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में, गेंद हवा में है, नीचे है, खिलाड़ी पकड़ लिया कैच और ये छोटा कैच बहुत ही आसान सा कैच छूटा बाबा। ऐसे कैचेस में क्रिकेट में डॉली कैच कहा जाता है, डॉली यानी कि लॉलीपॉप कैच था, लॉलीपॉप कैच छूटा हुआ पर अक्सर लॉलीपॉप खाया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता है। इस बार गेंद को हवा में खेल पटेल, फैसल पटेल, ओहो पटेल पटेल क्या जबरदस्त एफर्ट वहां पर, भले ही कैच नहीं पकड़ा होगा लेकिन फील्डर की तारीफ करने की, क्या फील्डिंग कर रहे फैसल पटेल। आज पटेल ने फील्डिंग में दिल जीत लिया पब्लिक का। अगर पब्लिक से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, फैसल पटेल की फील्डिंग आपको पसंद आएगी, थोड़ी सी तालियां तो इनके लिए बनती है, बहुत शानदार फील्डिंग कर रहे फैसल पटेल। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर आती गेंद, डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से बता जा रहा, डेड बॉल के साथ रन बनेगा एक, आगे बढ़ता बस स्कोर 70 रन। डेड बॉल इसका मतलब आपके खिलाफ जो सीमेंट विकेट के नीचे आप गेंद फेंकते हैं तो उसके लिए पेनल्टी की एक रन बनती है वहां पर। वैसे तो क्रिकेट की भाषा में बोला डेड बॉल को मृत घोषित जाता है, लेकिन यहां पर आपको दंडित किया जाता है। ये देखिए बिल्कुल आवाज आई है बॉलर ने कहा कि मैं और ये क्या, हेलो, ये ऐसे कैचेस छोड़े जा रहे वहां पर, बार बार कैचेस छोड़े जा रहे, ये ऐसे कैचेस, इस ओवर में 3 कैचेस छूटे वहां पर। करण मोरे पहुंचे व्यक्तिगत अपने 47 पे, टीम का स्कोर 71 रन। और शायद लग रहा है कि फील्डिंग टीम के खिलाड़ी को पिछले कई कई ओवर्स में, पिछले ओवर में जिस तरह की फील्डिंग हमें देखने मिली, अब कैच पकड़ने के लिए इन्हें जरूरत लग सकती है फेमिकॉल की। 3 कैचेस यहां पर छोटे वहां पर। चलिए बैटिंग आपकी, ये ध्यान, हेलो, मैं अंपायर अय्याज सर से विनती करता हूं, थोड़ा सा समय ज्यादा जा रहा है सर, थोड़ा सा जल्दी फास्ट कीजिए, फटाफट मैच होना चाहिए। नवर की शुरुआत करने के लिए, गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, फिर से चेतक को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा है, चेतक गेंदबाजी करेंगे अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का ओवर नंबर लेकर आएंगे 8वां यानी कि आखिरी ओवर लेकर। इस बार गेंद चेतक की गेंद, इस बार ये इनका फेवरेट स्ट्रोक है, इन्हें ऐसे और इसी के साथ 50 रन पूरे करने वाले शायद इस टूर्नामेंट के एक लौते खिलाड़ी जिनके नाम पर 50 पूरे हो रहे, नाम है करण पवा, करण मोरे, 24 गेंदों में 50, एफएम ट्रॉफी के पहले खिलाड़ी बन गए जिनके नाम पर हाफ सेंचुरी पूरी हो रही है। तालिया से उनकी सराहना की जा रही है, वहां पर आगे बढ़ता बस स्कोर 75 75 रन। इस बार सीधे गेंद को मारा जा रहा, गेंद बॉलर के पीछे जा रही है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है, खिलाड़ी बहुत थोड़ी सी धीमी फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत धीमी फील्डिंग, जगह से गेंद को उठाकर फेंकने की कोशिश, इसमें किरण चालाक थे, उन्होंने कहा कि फील्डर गेंद का इंतजार कर रहा है, तो हमें तो इंतजार नहीं, बिल्कुल बैटिंग का इंतजार, दूसरा रन भी दौड़ लिया, आगे बढ़ता बस स्कोर 77 रन 77 रन। शॉर्ट रन के लिए रिव्यू, तीसरे अंपायर की मदद मांगी जा रही है, तीसरे अंपायर बताएंगे कि यह शॉर्ट रन है या नहीं है। तीसरे अंपायर मैच रेफरी का काम कर रहे वहां पर वाहिद अली मुल्ला साहब, यहां पर तीसरे अंपायर की भूमिका में डिसीजन पेंडिंग है।
दैट्स तीसरे अंपायर ने कहा कि अंपायर्स का कॉल है वो मानना पड़ेगा वहां पर। अंपायर्स का कॉल क्या है? दो रन। चलिए अंपायर ने कहा कि दो रन है, 77 77 रन। फुलटर गिनती बाद हाफ बॉल पे लेके गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, अब पकड़ लिया कैच, अब कहीं जाकर राहत की सांस मिल रही है वहां पर। पांचवा विकेट गिरा वहां पर, आक्रमक बल्लेबाज थे, बहुत देरी से मैच के वहां पर बैटिंग कर रहे थे, करण थोड़े से थके हुए भी नजर आ रहे थे, उस थकान ने उनका विकेट ले लिया वहां पर। चलेंगे यासीन आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए वहां पर। यासीन गच्चिनमल इस बार सीधे गेंद को मारा जाता है यासीन की ओर से इस बार, और ये देखिए फील्डर को देखने का सिवा कोई मौका नहीं था वहां पर। फील्डर के सामने गेंद गिरी, पहले टप्पे पर गेंद बॉल के बाहर निकल रही है, आगे बढ़ता बस स्कोर 81 रन। चलेंगे इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार तेज रफ्तार से गेंद आई, मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर गया, विकेट कीपर के पास चली जा रही है गेंद, आखिरी गेंद इस वक्त इस इनिंग की आखिरी गेंद है। कल के मैच सुबह 9 बजे हो गए, यह ध्यान रखिए जिस टीम का मैच है वो ध्यान रखे कि कल सुबह 9 बजे मैच होगा। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद। इस गेंद को देखा चाचा बरका, इस बार अंपायर ने बताया कि बैट बॉल है बिल्कुल, और वैसे देखा जाए तो ये ऑफ स्टंप के ज्यादा दूर जा रही है, बैट बॉल का इशारा दिया जाता है। पंचांग से हाथ समांतर, धावा मिलती अबांतर, धाव संख्या एक धावे की भर पड़ ली है, भारतीय धाव संख्या पुढ़ से रखती है भारतीय, टोटल धावा 82 धावा 82 रन 82 रन। देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे, इस ओवर की आखिरी गेंद है, कितने रन जोड़ेंगे वहां पर। मारने की कोशिश में बहुत जोर से बैट घुमाई जा रही है, लेकिन बल्लेबाज को चकमा देती है विकेट कीपर के पास। वैसे तो सोलापुर की गेंदबाजों ने काफी खासा प्रदर्शन किया गेंदबाजी में, और 82 रन बने हैं, जीतने के लिए 83 का टारगेट है। जैसे कि टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का इनाम दिया जा रहा है हामिद जी इंडिकर साहब की ओर से 1 लाख रुपए का प्राइज, सेकेंड प्राइज अभी
चलेंगे मैच की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। जीतने के लिए बिल्कुल टारगेट है 83 रनों का। इस टारगेट का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर है वसीम लेवेंडर, नो स्ट्राइकिंग इन पे है। बल्लेबाजी करने के लिए किरण अम्बाल और दिख रहा है गेंदबाजी करेंगे पहली ओवर लेकर बॉलर आए संकेत पाटिल को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद आ गया। पहली गेंद पर पहला सिंगल रन मिला, सिंगल रन के साथ 48 गेंदों में मैच जीतने के लिए 83 का टारगेट। कल टूर्नामेंट का जिल बिल्कुल कल जो मैच होगा तो रिवर्स बिल्कुल स्विप शॉट खेलने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंद आ रही है। खिलाड़ी दौड़ रहे गेंद के नीचे, एक रन तो मिल सकता है, दूसरा पूरा हो रहा दिखना है, तीसरा हो सकता है नहीं, और थ्रो विकेट कीपर इन पे दिया जा रहा। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ये भी जो बैट्समैन है इनकी भी उम्र 40 के ऊपर है वसीम लेवेंडर की। तो इस बार ये गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार ऑन सर्विस गेंद को मारा जाता है। गेंद आ रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में गेंद आ रही है, जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ टोटल स्कोर इस वक्त पहुंचा है केवल 5 की ओक पर, टोटल स्कोर केवल 5 रन। कल का पहला मैच होगा वहां पर पीएफसीसी फार्मा क्रिकेट टीम और युवा यंग जामिया क्रिकेट टीम के बीच में पहला मैच होगा। ए भाई दोस्ती क्रिकेट टीम वर्सेस मुबारक सीसी के बीच में दूसरा मैच होगा और तीसरा मैच पहला मैच में जो टीम और इस बार ये किरण अम्बाल के बैट से निकलता हुआ दमदार प्रहार निकलता हुआ, बंदा है कड़क मारता है बेधड़क जिसका नाम है किरण। 6 आएंगे 11 रन टोटल स्कोर 11 की ओक पर। बल्लेबाज की तारीफ करने की जिस अंदाज का ये स्ट्रोक निकला था ऐसा लगा वहां पर, देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे संकेत पाटिल तो बल्लेबाज किरण किरिया। ओ इस बार हटके अंदाज का स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, देखना एक खिलाड़ी को तो गेंद ने चकमा दे दिया, दूसरा खिलाड़ी वहां पर गेंद का पीछा करे लेकिन जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते दो रन आएंगे वहां पर, दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा 13 की ओक पर। ये बैट्समैन अगर चाहे 13 स्कोर हो चुका, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं तो स्कोर यहां पर बनेगा वहां पर। लास्ट बॉल टू इस ओवर का लास्ट गेंद है, 13 होगा वहां पर टोटल स्कोर 13 की ओक पर। देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे, अभी भी यहां से मैच जीतने के लिए 70 चाहिए। वैसे देखा जाए तो अक्सर ये स्कोरबोर्ड पे ध्यान देंगे तो ऐसा कह सकते हैं ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13। इस बार गेंद ये गेंद रिवर्स मारने की कोशिश, देखना है विकेट कीपर के पीछे, कीपर नहीं था गैदर कर रहे इस बीच। ये 22 के 4 रन मिलेंगे हम पर अयाज हत्ती वाले सर की ओर से, बिल्कुल 4 रन का इशारा बताया जा रहा है। आगे बढ़ रहा है स्कोर 17 की योग पर। पहले ओवर में तो सोलापुर ने कह रही कि 17 बना लिए, हमारी टीम आपको दे रही है खतरा क्योंकि पहले ओवर में रन बने हैं 17। इस बार देखना है नए गेंदबाज की तौर पर गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है मैंने कहा से इस ग्राम बिल्कुल एक उंगलियों के जादूगर के तौर पर जिन्हें पहचाना जाता है। करीम आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, करीम का ये व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से सीरिंग का दूसरा और लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है वसीम लेवेंडर, करीम लाला गेंदबाजी करेंगे।
तो बिल्कुल अक्सर ऐसा भी कहा जाता है जीतना है तो तीन नियम के हिसाब से आपको खेलना होगा, खुद से बाधा, मेहनत ज्यादा, जो भी करना है मजबूत इरादे के साथ करना है। जीत के मंत्र जो होते हैं बिल्कुल खुद से वादा करो, मेहनत ज्यादा करो, जो भी करना है मजबूत इरादे के साथ करो। शॉटपिट गेंद आई बैकफुट पर चले गए, इस बार पावर पंच मारा जाता है, बहुत लंबी दौड़ खिलाड़ी लगा रहे हैं गेंद को बाउंड्री के अंदर, जब तक ही रोका जाता दो रन लेने का समय मिला और इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 19-21 धावा दल है। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे, शॉटपिट गेंद आई बैकफुट पर चले गए, हवा में ऊंचा उड़ाया, दो फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं वहां पर। ये देखिए बिल्कुल जिस अंदाज का वसीम ने स्ट्रोक खेला इस बार, ये जो स्ट्रोक मेरे हमें याद दिला रहा है ये टर्फ, जो टर्फ ग्राउंड होता है स्ट्रोक बैक पर खेलते हैं, क्योंकि टर्फ ग्राउंड में बिल्कुल लेग साइड में रन नहीं मिलते, सीधे रन मिलते हैं और हमेशा ये टर्फ भी चलाते हैं सोलापुर में। आगे बढ़ता बस स्कोर इस वक्त 21 रन 21 की योग पर, बैकफुट पंच जैसे क्रिकेट में कहा जा सकता है, पिछली गेंद पर बैकफुट पंच लगा दिया। शॉटपिट गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से गेंद को मारने की कोशिश में, गेंद आ गई बिल्कुल ना, एक रन तो मिल सकता है, क्या दूसरा होगा, नहीं एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रन 22 की योग पर। चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, कल के मैचेस यहां पर तीसरा दिन, तीसरे दिन में बिल्कुल रोमांचक मैच होने की संभावना। देखिए किरण मन के मुताबिक मारा आड़ा, करण ने मारा तो किरण कह रहे करण मार सकते तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूं, ये सोच यहां पर बनाई जा रही है। फिर से जब्बर भाई अमन इनका भी यहां पर फिर से यूट्यूब के माध्यम से स्वागत है। बिल्कुल जब वसीम लेवेंडर के लिए इनाम दिया जा रहा, लगातार दो छक्के लगाते हैं जब्बार अमन, इनकी ओर से ₹2000 टर्फ चलाते हैं सोलापुर में, अमन टर्फ चलाते हैं। फिर से इस बार गेंद को आड़े हाथ पकड़ने की कोशिश, गेंद जा के पहले टप्पे पर निकलती गेंद बॉडी के बाहर जा के चार रन के लिए निकल रही है वहां पर, क्या खूबसूरती के साथ मारा जाता बा, ऐसा लगा मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, चंडू फर्रार, कनकनी चौकार। तो आगे बढ़ता बस स्कोर इस वक्त तो लगभग पहुंच रहा है 30 रन यहां पर, यह मैच जो है बिल्कुल पहले दो ओवर में भी बिल्कुल मैच का बिल्कुल रुख बदलना चाहते हैं, पहले दो ओवर में रन निकालने के बाद जो प्रेशर है वो प्रेशर को रिलीज करना चाहती है टीम, करण जब तक किरण जब तक विकेट पर रहेंगे रन बनते ही रहेंगे वहां पर। शायद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए स्वर की अगली गेंद लेकर, ये देखिए शॉटपिट गेंद आई इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑनसाइड में ऊंचा उड़ा, ये किरण को थोड़ी सी फील्डिंग बदलने की रणनीति की गई, लेकिन किरण मान रहे थे कि क्या भी करेंगे लेकिन छक्का लगाएंगे, ऐसा लगा जैसे कि टूर्नामेंट के लिए यूट्यूब लाइव जिनके माध्यम से दिया जा रहा है। अबरार जी इनामदार साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है तो उनका हम स्वागत करते हैं। अबरार जी के स्वागत के लिए बल्लेबाज ने जिस अंदाज का छक्का लगाया था ऐसा लगा वागाची धार बोल लाइफ पर बक्तुस का रागान छटकार मार लाए वागा। हमारे टूर्नामेंट के यूट्यूब स्पॉन्सर बिल्कुल अबरार जी इनामदार साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है तो उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और पिछली गेंद पर बल्लेबाज ने जिस तरह का स्ट्रोक लगाता है ये बिल्कुल किरण के बल्ले से निकलने वाला जानदार छक्का निकला वहां पर, 36 रन तो बन चुके, यहां से मैच जीतने के लिए लगभग मेरे ख्याल से 47 रनों की तलाश।
आने वाले वो गेंदों की बात करना चाहेंगे तो लगभग 36 गेंदे 47 रन चाहिए। बिल्कुल हमारे YouTube के स्पॉन्सर अबरार जी इनामदार साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है तो उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो हम tenniscricket.in देख रहे हैं जिस उसके वजह बिल्कुल हमारे हमारे जो स्पॉन्सर जी हैं अबरार जी इनामदार साहब इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो मैं टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से यानी कि बिल्कुल कैप्टन्स 11 क्रिकेट क्लब बीजापुर की ओर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम सर, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। चलेंगे जैसे कि वहां पर मैच का आनंद लेने के लिए डॉक्टर इकबाल साहब भी यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे तो उनका भी हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब आपका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका भी हम दिल से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो इस बार एक रन लिया जा रहा, दूसरे की दौड़ यहाँ पर हो सकती है और ये थ्रो जब तक तीसरा रन मिला वहां पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का एक और वहां पर देखने मिल रहा है। इन तीन रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 39 रन की योग पर। किरण जब तक विकेट पर है बिल्कुल ये मैच बिल्कुल एक तरफा बनाने की जिनमें क्षमता है काबिलियत है वो खिलाड़ी है किरण। ओहो हो बहुत अच्छी गिनती, इस बार टप्पा गिरने के बाद ज्यादा ऊंची उठी, इस बार स्टंपिंग का मौका भी छूटा। किरण कह रहे बहुत ज्यादा गेंद ऊंची उठी, हमें तो कुछ करने का मौका नहीं था वहां पर। टूर्नामेंट जो चल रहा है यहां पर जो कि टूर्नामेंट कमेटी की अगर बात करना चाहेंगे वाहिद अली मुल्ला साहब के नेतृत्व में इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर रखा जा रहा है और बीजापुर क्रिकेट के इतिहास में लिखने वाली यह टूर्नामेंट। ये देखिए क्या जबरदस्त टोक लगा इस बार, ऐसा कहा डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक और घुटना टेक और ये शक्कर। ये बल्लेबाज के बैट से निकलता हुआ जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकला इस बार। बल्लेबाज की तारीफ करने की वहां पर काफी खूबसूरती के साथ अब तक इन्होंने सोलापुर क्रिकेट में 6 सेंचुरी मारे हैं। किरण इस बार मारना चाहते थे एज लगा वहां पर, एक रन मिलेगा वहां पर, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। और हमेशा बिल्कुल बिलाल जी किस्मत और तकदीर हमेशा बहादुरों का साथ देती है और ये बल्लेबाज अभी तक बहादुर और दिलेर अंदाज में खेल रहे हैं, इसीलिए जीवन दान किस्मत ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि आउट हो। लेकिन भीषण जबिया टीम की ओर से गेंदबाज भी कुछ यहां पर हार मानने नहीं तैयार है। अच्छी गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया जाता हुआ, जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं ओवर थ्रो होता हुआ लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर आगे निकल गया। वहां पर एक रन मिलेगा, बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। टिल्लू खान साहब जो फील्डर थे अभी, टिल्लू खान साहब अभी भी जो फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी दौड़ से थक गए वहां पर रन दौड़कर, थोड़ा सा समय लिया फिर से खेलने के लिए रेडी है तैयार है। गेंदबाजी करेंगे पिछले मैच के हीरो सुहास पवार। ये देखिए देख घुमा के मारा, वो स्ट्रोक ऐसा लगा इस बार गेंद जा के बिल्कुल मानो कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है बुलेट की अंदाज में, कमाल का दे धमाल और ये बैनर फट चुका है वहां पर। तीन ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद अब थोड़ी सी तालियां तो सोलापुर का पवेलियन में बज सकती है क्योंकि तीन ओवरों में 50 पूरे हो गए 51 रन। करण अंबाल की बात करना चाहेंगे तो करण जिस अंदाज की बैटिंग खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है उनकी पारी देखकर ऐसा कह सकते हैं भीड़ में लग जाए। हेलो भीड़ में लग जाए उसे धक्का कहते हैं, हवा में उड़ जाए उसे छक्का कहते हैं और बाजी में पलटवार लाए उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। और बिल्कुल हुकुम के इक्की की तरह पारी चल रही है किरण अंबाल की वहां पर। हमारे टूर्नामेंट के यूट्यूब स्पॉन्सर जी बिल्कुल अबरार जी
इनामदार साहब कल उन्होंने भी मैच खेला था वहां पर, आज कल खिलाड़ी थे, आज हमारे मेहमान हैं अबरार जी इनामदार साहब यूट्यूब लाइव स्पॉन्सरशिप की। से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी करने के बीच ये गेंद लेकर अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मारने की कोशिश में बिल्कुल गेंद आ रही है बिल्कुल बिड़बी के क्षेत्र में सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। यहां से मैच जीतने के लिए लगभग रन चाहिए मेरे ख्याल से 31 रन चाहिए, गेंदे बची है बिल्कुल 29 गेंदे और मैच जीतने के लिए 31 चाहिए। और ये जो बॉलर जा रहे हैं वहां पर दोनों ही खिलाड़ी इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग ऐसी ISPL के बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी हैं। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हटके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के पीछे गेंद को खेलने की कोशिश, पेस का इस्तेमाल करना चाहते थे, केवल दिशा देना चाहते थे, गेंद को कनेक्ट करना चाहते थे बैट से, लेकिन गेंद बैट से कनेक्ट नहीं हुई, गेंद विकेट कीपर के पास चली जा रही है। चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, इस बीच गेंद लेकर तैयार है, अच्छी गेंद इस बार आगे निकलकर गेंद को पुश किया जाता था, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते एक्स्ट्रा कवर से आकर खिलाड़ी, जब तक कि सुहास पवार एक रन बनेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 53 रन, यानी कि मैच जीतने के लिए अभी भी 30 चाहिए, 30 रन बिल्कुल मैच को बिल्कुल बॉल टू रन के अंदाज में यहां पर स्कोर अब तक चाहिए मैच जीतने के लिए। ईसा 11 सोलापुर टीम के लिए इस बार गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर वसीम लेवंडर का यह तगड़ा प्रहार निकलता हुआ, क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है, इरादा धक्का दे धक्का पावरफुल छक्का। ऐसा भी कहा जा सकता है कि गेंदबाज को लगा धक्का क्योंकि बल्लेबाज ने मारा पावरफुल छक्का। ये गेंद शॉटी गेंद इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ गेंद आ गया बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद आ गया, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद करीम लाला की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, फिर भी सिंगल मिलेगा आगे बढ़ता हुआ स्कोर। साठ रन शायद मैच जीतने के लिए 23 चाहिए, हम देख रहे कि पहली बार गेंदे ज्यादा है रन कम है, गेंदे ज्यादा और रन कम, इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में गेंद हवा में जा रही है नीचे है खिलाड़ी वहां पर, यह क्या छूटता वहां पर, किरण अंबाल को जीवन दान देना, यानी कि बिल्कुल क्रिकेट में जो कहावत होती है कैचेस विन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है, आपको याद होगा बिल्कुल सूर्य कुमार ने कैच नहीं पकड़ा था उन्होंने वर्ल्ड कप पकड़ा, 2020 का मैच चल रहा था 150 करोड़ जनता मान रही थी कि इंडिया मैच हार चुकी है, लेकिन एक इंसान थे जिन्होंने मैच दिल में ठान लिया था कि मैंने मैच नहीं आ रहा, आखिर तक लड़ते रहेंगे तो जीतते जाएंगे, रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया बस दिन, 24 गेंदे और 21 रन चाहिए। ये दोनों बल्लेबाज आज जिस अंदाज की बैटिंग कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाज जिस अंदाज में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पवेलियन से सेट होकर उतरे हैं, दोनों ही खिलाड़ी पवेलियन से सेट होकर उतरे हैं, न्यू बॉलर शॉर्ट गेंद इस बार गेंद को खेलने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के पास चली जा रही है, अभी भी सुहास पवार अभी भी कह रहे बापर करेंगे, थोड़ा सा हालात तो बहुत खराब है फील्डिंग टीम के लिए, लेकिन अभी भी मैच वैसे तो आंकड़ा होता है रन, ये आंकड़ा होता है, लेकिन आप किस तरह से लड़ेंगे, आप किस तरह से संघर्ष करेंगे ये आप पर निर्भर होता है, वहां पर मान लो तो हारे ठान लो तो जीत है वहां पर। शॉट फिर गेंद आई वसीम लेवंडर ने इस बार गैप पे मारा इस बार, लेकिन बिरबी के क्षेत्र में बिल्कुल बहुत शानदार कैच वहां पर पकड़ा गया नागेश की ओर से, बिल्कुल बहुत बढ़िया अंदाज का कैच वहां पर, लेकिन वसीम लेवंडर को जिस काम के लिए भेजा गया था उससे बेटर काम करकर उनके टीम ने जो उम्मीद की थी उम्मीद से ज्यादा किया इन्होंने, बहुत शानदार खेल खेला वसीम लेवंडर ने, हमेशा वसीम लेवंडर के लिए कहा जा सकता है कि बिल्कुल वसीम लेवंडर जैसे जैसे जिनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन खेल में वो तेजी वो आक्रामकता अभी भी कम नहीं हुई है वहां पर, नए खिलाड़ी इस मैदान के लाडले खिलाड़ी, ये मैदान ने
इन्हें एक आज अलग पहचान जो क्रिकेट में दी है, वो खिलाड़ी चेतक गोरे अब जाएंगे मैदान में। बस देखा जाए तो निश्चित ही ये टूर्नामेंट के लिए जो बिल्कुल हमें जो सहयोग दिया जा रहा है, पहले क्रमांक का इनाम हामिद इंदिगर साहब की ओर से बिल्कुल 1 लाख रुपए, अबिद अली बिल्कुल बुल्ला साहब की ओर से सेकंड पॉइंट 50,000 रुपए, और जीशान बख्शी साहब की ओर से बिल्कुल टूर्नामेंट के लिए तीसरे क्रमांक के लिए 30,000 रुपए। और टूर्नामेंट में हमें यूट्यूब में मैच देख रहे हैं उसकी वजह बिल्कुल अबरार जी इनामदार साहब ने टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सरशिप दी है। इस बार अगेन अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल बल्ले का मुंह खोला, इस बार गेंद को दिशा दे दी, विकेट कीपर के पीछे गेंद डाल गया थर्ड मैन क्षेत्र में, खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते फिर से सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 63 रन। इसका मतलब मैच जीतने के लिए अभी भी केवल 20 चाहिए, 21 से गेंद और मैच जीतने के लिए 20 रन। सुहास पवार गेंदबाजी करेंगे किरण के लिए, किरण इस वक्त तो व्यक्तिगत खेल रहे 39 रन पे। ये देखिए रिवर्स मारने की कोशिश, कभी कभी आपको खराब स्ट्रोक भी 4 रन दिलवा पाता है, ये 22 के 4 रन बनेंगे वहां पर। विकेट कीपर क्लोज है, किरण ने जिस तरह का खेल दिखाने की कोशिश की विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, आगे बढ़ रहा स्कोर इस वक्त 67 रन। इसका मतलब मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे लगभग 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये टूर्नामेंट यादगार है, ये टूर्नामेंट जानदार है बिल्कुल, और मैं खासकर से धन्यवाद मानना चाहूंगा यहाँ पर ऑनसर बिगिन को मारा जाता हुआ विकेट कीपर के पीछे और एक चौका मिलेगा और हमें कमेंट्री करने का जो मौका दिया गया, मैं खासकर से वाहिद जी मुल्ला साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, आपकी वजह से हमें यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिला। और साथ ही साथ मैं दिल से धन्यवाद मानूंगा अबू बकर जी और जिन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा, वो है मेरे जबर साथी जिनकी वजह से मैं यहाँ कॉमेंट्री के लिए आया हूँ। आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त तो 71 रन, 71 रन, किरण पहुंचे मेरे ख्याल से 47 पे 43 रन, माफ करना किरण 43 पे, इसके पहले जो चौका था 22 का था, इसलिए बिल्कुल किरण इस वक्त 43 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे यहां से केवल 12 कदम दूर है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ जीतने के लिए, 18 गेंदे और जीतने के लिए 12 चाहिए। नए खिलाड़ी आए वहां पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, सलीम गेंदबाजी करने के लिए आएंगे वहां पर चेतक के लिए। ओहो चेतक, चेतक तू कमाल है, चेतक बहुत धमाल है, वहां पर काफी लाजवाब स्ट्रोक निकलता हुआ, इस बार गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को उठाकर खेला जाता हुआ, क्या शानदार फ्लैट छक्का निकलता हुआ इस बार गाइस, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर इस छक्के के साथ अब मैच जीतने के लिए और एक छक्के की जरूरत है वहां पर। ईसा 11 इस वक्त जीत के काफी नजदीक है, ईसा 11 टीम को जीत की खुशबू, जीत की महक इस वक्त मिल रही है, और टूर्नामेंट के यूट्यूब स्पॉन्सर अबू बिल्कुल अबरार जी इनामदार साहब इस वक्त मन से जहां से हम कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हैं वहां से मैच का आंखों दिखाल देखने के लिए मौजूद है वहां पर। इस बार सीधे गेंद को मारा जाता है, गेंद बॉलर के पीछे जा रही है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है, फिर भी सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, मैच जीतने के लिए केवल 5 कदम दूर, 5 रन चाहिए। तो इस बार लेग स्टंप के बाहर जा रही है गेंद, बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने बताया वहां पर, व्हाइट बॉल के साथ अब मैच जीतने के लिए केवल 4 रन चाहिए, और किरण इस वक्त व्यक्तिगत 7 रन चाहिए जीतने, किरण के अर्धशतक के लिए 7 चाहिए, जीतने के लिए 4, अर्धशतक के लिए 7। ये देखिए ये पहले टप्पे पर मैच फिनिश करने वाला स्ट्रोक निकल रहा है, कांग्रेचुलेशन
ईसा 11 क्रिकेट टीम जो टूर्नामेंट के यहां पर पहुंच रही है कुल मिलाकर। तो बिल्कुल हमारे अबरार भाई इनामदार साहब जिनके शुभातों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी, जीतने वाले टीम के कप्तान को यहां पर हम बुलाना चाहेंगे। जीतने वाले टीम के कप्तान आगे किरण अंबाल मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है, जीतने वाले टीम की कप्तान आइए यहां पर। कप्तान समीर अहमद आइए जरा थोड़ा सा आइए। समीर भाई आइए 2 मिनट। वैसे तो आप यहाँ पर आज का आप आपकी टीम ने क्लियर कर लिया है, ओवरऑल आज के दिन के जो मैचेस खिलाए गए वहां पर समीर जी क्या कहना चाहेंगे आज का ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बहुत कि आज का हाफ हमने बहुत ही आसानी से क्लियर किया है। तो इस हाफ क्लियर करने का श्रेय सभी प्लेयर्स को जाता है, बॉलर्स को जाता है, और अभी काफ़ी यंग प्लेयर इस टीम में बहुत फॉर्म में है। चेता गोरे, किरण अंबाल ये अच्छे फॉर्म में है, इनके वजह से आज का हाफ हम लोग ने आसानी से क्लियर किया है। इस आज का श्रेय मैं सभी टीम को देना चाहूँगा क्योंकि अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छा परफॉर्मेंस आज का किया है हम लोग ने। आज आज के दिन में 100% हमने दिया है। समीर भाई आपने एक बात कही, हमें तो वो बात पसंद आई बिल्कुल, आपने कहा कि यंग क्रिकेटर है बिल्कुल, वसीम लेवंडर 40 के ऊपर है, फैसल पटेल 40 के ऊपर है, उनके परफॉर्मेंस को आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, उनके परफॉर्मेंस को भूल नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा से हमारे सीनियर रहे हैं टीम में, क्योंकि वो हमेशा से परफॉर्मेंस देते हैं। सीनियर प्लेयर फैसल पटेल हो, वसीम लेवेंडर हो, हुसैन सर हो, ये क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, इनके अंडर हमको खेलने का मौका अभी भी कंटिन्यू मिल रहा है। बीजापुर के क्रिकेट में यहाँ पर मैच खेलने के लिए आए, यहाँ का माहौल, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के मैचेस कैसे लगे आपको यहाँ पर? बिल्कुल ऑर्गेनाइजर, लास्ट टाइम हमने आए थे रनर अप थे और उससे बेहतरीन और ऑर्गेनाइजर इस साल हुआ है। तो लास्ट टाइम में जिस पब्लिक का हमें क्रेज और प्यार मिल रहा था, आज भी सेम उसी तरह आज प्यार हमें आज भी कंटिन्यू मिल रहा है। मैं आखिरी सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा, तो ये टूर्नामेंट के बारे में क्या ख्याल होंगे आगे के मैचेस के लिए? आगे आपको बिल्कुल सेमीफाइनल खेलने, फाइनल खेलना है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आज की तरह इसी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट सेमीफाइनल को भी हमें इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। जो काम हम करने के लिए आए ट्रॉफी उठाने के लिए, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, आपकी टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है। कल हमने देखा था कि BNCC की टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल चली गई थी, आज यहाँ पर बाजी मार रही है सोलापुर की ईसा 11 टीम। कल मिलेंगे नए 6 टीमों के साथ, नए अंदाज में, नए जोश में मिलेंगे टेनिस क्रिकेट के साथ। थैंक यू सो मच। शर्मा क्रिकेट टीम यंग जामिया टीम के बीच में सुबह 9 बजे मैच होगा, उसके बाद ए भाई दोस्ती क्रिकेट टीम और उसका मुकाबला मुबारक सीसी के साथ होगा सेकेंड मैच। तीसरा मैच पहले मैच में जो टीम जीतती है तो उसका मैच कैप्टन 11 के साथ होगा, और चौथा मैच ये भाई दोस्ती टीम और मुबारक सीसी में जो जीतता है उसका मैच शपी 11 सोलापुर टीम के साथ होगा। मिलेंगे कल नए अंदाज में, नए टीमों के साथ। टेक केयर, बाय बाय। चलो मैन ऑफ द मैच का प्राइस जा रहा है वहां पर किरण अंबाल को। किरण अंबाल आज के हीरो है जिन्हें एक कैप दी जा रही है, टी शर्ट दिया जाता है वाई स्पोर्ट्स की ओर से, यानी कि रफीक तालीकोटी, और ब्रांडेड कैप जो दी जा रही है बिल्कुल ये कैप है यूनिक स्पोर्ट्स की, अबू बकर जी बागेबाड़ी साहब की ओर से, और ट्रॉफी दी जा रही है फैयाज सर काजी यानी कि काजी सैंड सप्लायर्स की ओर से, ये इनाम दिया जा रहा है। और अब किरण अंबाल चलिए वहां पर, मैं अबरार जी इनामदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं आपके शुभ हाथों से प्रेजेंटेशन बॉक्स में ये इनाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे कल नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। और ये जो बिल्कुल आज के जो मैच में टीम के लिए जीत जो मिली है, जीत के जो हीरो बने हैं किरण अंबाल और बिल्कुल वसीम लेवेंडर, दोनों को 500-500 रुपए टीम के ओनर यानी कि हुसैन पहलवान, इनकी ओर से दोनों को 500-500 रुपए दिए जा रहे हैं।
दोनों को 500-500 रुपए।